पति दिसकी बेल और देखा मैंने घूमे जमाने में अरे साथी होती है बिसकी बेल देख लिया तुम जमाने में बहुत सुंदर विपक्ष भैया और सुनो लला सर्वेश राम पुजाने सारा जमाना क्योंकि भैया भगवान राम के राजा दशरथ के घर में तीन रानियां थी। अगर केकई राजा दशरथ से वरदान नहीं मांगती तो भगवान को शायद वनवास नहीं जाना पड़ता। राम को जाने सारा जमाना राम को जाने सारा जमाना कहना मात पिता का माना के कई डाली गई थी तेल राम को बन भिजवाने और भैया संत की सुनी कहानी रूप बसंत को जो परेशानी मिली थी वो भी दूसरी माँ की देन थी। अरे रूप बसंत की सुनी कहानी आँखों में भरिया में पानी गर्दन ऊपर धरी दई सेल गर्दन ऊपर धरी दई सेल कसर क्या की मलवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे भगव श्रोताओ मैया सुनीति के लिए बार बार समझाया है उत्तान पाद ने, लेकिन रानी की वही जिद है कि पिया आप अपना दूसरा विवाह कर लो, हो सकता है कि हमारी आने वाली सोत के गर्भ से कोई ना कोई बेटी या बेटा जन्म ले गए। लेकिन जब बार बार कहा है रानी ने, बताया था एमपी भैया ने कि राजहट बालहट और त्रियहट ये हट बड़ी बुरी होती है, अगर माता बहन जिम्मत गई हो कि शायद कृपाल हमारी बुराई कर रहे, लेकिन बुराई करवे को हमारा मतलब गाय हम दूसरे गांव के तुम जा गांव की हो। लेकिन माता बहनों में कमी होती बुआ, क्या कमी होती है कि पत्नी सदन भूखो मर जाए और चाहे जीवन भर बीमार रहे। और माल में क्या सोचत रात जे नारिया ये सोचा कर थी द्वारे कई खड़ो सुनार रहे
क्योंकि ये घर घर की बात है, ये कई घर की बात ना है भैया। अगर बेटा दिल्ली से कमाए के आए तो अम्मा देखे मोंग हाय और बहू देखे जेब घाय कछु है के ना। नालिया ये जोता करती है बारे कई घरों सुना गए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन धन है उस मैया सुनीति को जो कि अपने पिया की दूसरी शादी अपने हाथों से कराने जा रही है। हाँ साहब करो दुकानदारी। अरे सोवेश भैया जब बल्ब बंद कर दे 51 रुपया अरविंद भैया। अच्छा अच्छा